बारे में उनकी जो कमी हो गई है तो वो आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी, खून जो है वो थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये है कैरेट और बीटरूट जो मैंने कस के रख दिया था। इसके बाद हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में तेल डालेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे राई, दो तीन सूखी लाल मिर्च और करी लीव्स डाल देंगे और इसको पका लेंगे। इस स्टेज में यहाँ पर कुछ लोग खड़ी उड़द की दाल भी डालते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैंने स्किप कर दी थी। और बस इस सिंपल से तड़के में हम ऐड कर देंगे कैरेट और बीटरूट जो हमने कस के रख लिया था, और फिर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसे चला लेंगे। स्लो फ्लेम पर इसे ढककर हम थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें कसा हुआ नारियल ऐड कर देंगे और बस एक मिनट इसे चलाकर गैस ऑफ कर देंगे। और बस फाइनली रेडी है हमारा कैरेट और बीटरूट का बोरियल। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।